फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 69। बट उम्मीद करता हूं कि आपने लेसन नंबर 67 और 68 दोनों को अच्छी तरीके से वॉच किया होगा, क्योंकि अगर आपने उन दोनों लेसन को ठीक से वॉच नहीं किया होगा तो आज का लेसन समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि लेसन नंबर 67 में मैंने आपको नरेशन का कॉन्सेप्ट बताया था और लेसन नंबर 68 में मैंने उसी नरेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया था और प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्या आज का लेसन, जहां पर हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर प्रेजेंट के सारे कॉलम आ जाए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो उसको कैसे बदला जाएगा, वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि अगर डायरेक्ट स्पीच में, यहाँ पर मान लीजिए मैं एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो एक तरफ मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, देखिए डायरेक्ट, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इनडायरेक्ट। तो आपको यहाँ पर ये माइंड करना है कि डायरेक्ट का मतलब क्या, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट के सारे कॉलम आ जाएं, जैसे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमें इनडायरेक्ट करते समय किस में बदल देना होगा, पास्ट इंडेफिनिट में बदल देना होगा। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आ रही है तो आपको उसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देना है। और अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कॉलम आ जाए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, तो इसको आपको क्या कर देना होगा, पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देना होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है, एएसएमआर, और पास्ट कंटीन्यूअस का मतलब क्या हो जाएगा, वॉज या फिर वर। अब दूसरी बात फिर से देखिए कि अगर यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट के कॉलम को आपको किस में बदल देना होगा, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। और अगर बात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हो जाए, थोड़ा सा माइंड करते जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अगर यहाँ पर सेंटेंस आ चुका है तो इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस को आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस में बदल देना होगा। यानी कहने का मतलब ये था कि अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आ रही है तो उसको आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म से चेंज कर दोगे। अगर एएसएमआर आया होगा तो एएसएमआर को आप वॉज वर्ब से बदल दोगे। अगर यहाँ पर हैज हैव आ रहा है तो हैज हैव को हैड से बदल दोगे, और अगर हैज हैव बीन आ जाए तो उसको आपको हैड बीन से बदल देना होगा। तो नरेशन पढ़ने के लिए आपको बहुत जरूरी होगा कि सारा टेंस बिल्कुल बनना ही चाहिए और आपको पहचान में आ जाए कि आखिर ये सेंटेंस हमारा किस कॉलम का है, तभी जाके काम बनने वाला है। अब इसको मैं फिर से पूरी डिटेल में लिखता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होगा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। और जब ऐसा हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच में तो उसको आपको वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ चेंज कर देना होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को आपको सेकंड फॉर्म से बदल देना है। अगर कंटीन्यूअस की बात की जा रही है तो कंटीन्यूअस में क्या होता है बताओ आप मुझे, एएसएमआर आता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म। तो एएसएमआर को आपको वॉज वर्ब से बदल देना होगा, यानी अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको एएसएमआर मिल गया तो उसको वॉज वर्ब से आप रिप्लेस कर दीजिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है क्या, हैज या फिर हैव, दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर हमें हैड रखना होगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी आएगी। दोनों चीजें एक्चुअली कॉमन है, इसके लिए मैंने इसको लिखा नहीं। अब बात करते हैं क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब क्या होगा, हैज बीन या फिर हैव बीन। अगर हैज हैव बीन आ जाए, Has been या फिर have been, तो दोनों ही कंडीशन में इसको आपको had been से बदल देना होगा। चूंकि ये कॉमन है तो मैं इसको एक साथ लिख लेता हूँ, has been या फिर have been, और ऐसा होने पर इसको आपको had been से बदल देना होगा। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर मैंने आपसे कहा होता सी सैड टू मी, और उसके बाद उसने मुझसे क्या कहा, ध्यान सुनिए, उसने कहा आई प्ले फुटबॉल। अब ये जो स्पीच है ना, ये हमारी क्या कहलाएगी, डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी, क्योंकि मैंने उसकी कही गई बात को कहां पर रखा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है। अगर इसे हमें इनडायरेक्ट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करना है, तो हमने कर लिया। अब अगर हमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मिलता है तो सेट टू को हमें क्या कर देना होता है, टोल्ड में बदल देना होता है।
और इसके बाद हम यहाँ पर क्या रखते हैं, मी रखते हैं। बट ऐसी कंडीशन तभी करनी होगी जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से हो, और अगर ऐसा ना हो तो रूल्स बदल जाएंगे, इस बात को माइंड कीजिए। अब इस मी के बाद हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, दैट रखना होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए हमें किसको रखना होता है, दैट को ऐड करना होता है। अब देखते हैं कि जो हमारा प्रोनाउन आई इसका रिलेशन किससे बना, इसका रिलेशन किससे बन गया, सी से। समझिएगा, कोई लड़की है जो मेरे पास आती है और वो क्या कहती है, आई प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल कौन खेलता है, वो लड़की। तो आई का रिलेशन किससे बन गया, सी से, तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या रखना होगा, सी। अब ये सेंटेंस हमारा कहाँ से हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें क्या रखनी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको सेकेंड फॉर्म में बदल देना होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदला जाता है। तो सेंटेंस क्या बनने वाला है, सी प्लेड फुटबॉल। तो आपके सामने एक दूसरी स्पीच तैयार हो चुकी है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि हमारे पास सेंटेंस है कि सी सेट मी आई टीच यू, ऐसा हमारे पास सेंटेंस हो गया। तो उसने क्या कहा है कि आई टीच यू, वो कहती है लड़की कि मैं आपको पढ़ाती हूं। अगर मुझे इसे चेंज करना होता तो कैसे बदलता, देखिए, सी टोल्ड मी दैट, आई का मतलब किससे था, सी से, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, सी। अब इस यू का रिलेशन किससे बन रहा है, मी से, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बता सकते हो क्या? पहली बात तो ये, इस टीच की हमें क्या रखनी होगी, सेकेंड फॉर्म टी ए यू जी एस टी, सी डॉट, और यू का रिलेशन किससे बन गया, मी से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी, और सेंटेंस क्या बनेगा, सी टोल्ड मी दैट सी डॉट मी। तो ये हमारी क्या थी, डायरेक्ट स्पीच, और ये हमारी क्या होगी, इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसी में एग्जांपल को और आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, अगर देखिए हमारा सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होता और वो लड़की मुझसे कहती कि यू आर डांसिंग, तो क्या बता सकते हो कि ये हमारा सेंटेंस कहां का हो गया? अब ये सेंटेंस हमारा कहां का हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी जाती है, आईएनजी फॉर्म। तो हमारा सेंटेंस क्या बनने वाला है, सी टोल्ड मी दैट। अब इस यू का रिलेशन किससे बनेगा, इस आई से बनेगा, क्योंकि वो लड़की जो थी वो मेरे पास आती है और कहती है कि यू आर डांसिंग, तो डांस कौन कर रहा है, मैं ना। तो यहां पर अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, आई को ऐड करना पड़ेगा, और आई के साथ क्या लगाते हैं, पास्ट में वाज रखते हैं, और डांसिंग तो यहां पर हमें कॉपी करना ही होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, आई वॉज डांसिंग। अब पूरा सेंटेंस क्या बना, सी टोल्ड मी दैट आई वॉज डांसिंग। अगर फ्रेंड्स इसी सेंटेंस में एक चीज और ऐड करते हैं, सी सेड टू मी यू आर डांसिंग विथ मी, अगर उसने ऐसा सेंटेंस कहा होता तब इसको हम चेंज करते तो क्या बनता, उसको देखिए। पहली बात तो ये सारी चीजें ऐसे ही रहनी थी, यानी सी टोल्ड मी दैट, इसको आप आंख बंद करके यहां तक लिख सकते हैं। यू का रिलेशन किससे बना था, मी से, तो हमने क्या रख दिया, आई रख दिया, और आई के साथ वाज लगाते हैं, डांसिंग को हमने कॉपी कर लिया, और इस मी का जो रिलेशन है वो किससे बनेगा, सी से। यहां तो समझिए कि वो लड़की आती है मेरे पास और कहती है कि यू आर डांसिंग विथ मी, यानी मैं डांस कर रहा हूं, और किसके साथ, उसके साथ कर रहा हूं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सी टोल्ड मी दैट आई वॉज डांसिंग विथ, किसके साथ, उसके साथ। तो क्या लिखना पड़ेगा, हर। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि सी टोल्ड मी दैट आई वॉज डांसिंग विथ हर, ये था डायरेक्ट, और ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट। अब एक एग्जांपल और लेते हैं जहां पर हम बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो देखिए ध्यान से, इसको भी मैं फिर से लिख रहा हूं, यहां से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा, और जो भी चीजें आपको समझ में ना आए, राइट, आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी मेरा आपके पास है, आप उससे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक एग्जांपल देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा होता ही सैड टू हर, इसका मतलब क्या, एक लड़के की बात हो रही है, किससे बात हो रही है, किसी लड़की से, और वो लड़का क्या कहता है कि आई हैव कुक्ड फूड फॉर यू,
उस लड़के ने कहा कि आई हैव कुक्ड फूड फॉर यू, इसका मतलब क्या कि मैंने तुम्हारे लिए भोजन बनाया है। अच्छा, ये बात किसने कही है? इस लड़के ने कही है, और कही किससे? लड़की से कही है। इसका मतलब भोजन बनाया है इसने, और भोजन बना किसके लिए है? इस लड़की के लिए। अगर इस सेंटेंस को मुझे चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, उन सारी चीजों को आप ध्यान से देखते जाइएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करने कर लिया हमने। सेट टू को हटाकर यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, टोल्ड, वो भी लिख दिया। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कॉपी करना है, कर दिया। इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए क्या रखना होगा, दैट, उसको भी ऐड कर लिया। अब इस आई का रिलेशन किससे बन गया, ही से, तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पर हैव लिखा, यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की, जिसको किससे बदलना होता है, पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट की जो सहायक क्रिया होती है वो क्या होती है, हैड। तो यहाँ पर ही के बाद हमें क्या लिखना होगा, हैड। अब इसके ठीक बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी होगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि अगर बात परफेक्ट की हो रही है तो वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म ही ऐड करनी होगी। अब यहाँ पर क्या सेंटेंस बना, ही हैड कुक्ड, और उसके बाद क्या आ जाएगा, फूड, फॉर लिखिए। अच्छा, अब ये बताइए जो यू था इसका रिलेशन किससे बना, इस लड़की से, क्योंकि भोजन बना था उस लड़की के लिए। तो सेंटेंस क्या बनने वाला है कि ही टोल्ड हर दैट ही हैड कुक्ड फूड फॉर हर। तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने आपका जो सेंटेंस है ना वो कंप्लीट हो चुका है। और क्या लिखा मैंने कि ही टोल्ड हर दैट ही हैड कुक्ड फूड फॉर हर। एक एग्जांपल और लेते हैं जहां पर हम बात करें किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो आपके सामने एक सेंटेंस मैं फिर से लिखने जा रहा हूं, इसको भी ध्यान से देखिए। अगर मैंने आपसे कहा होता ही सैट मी आई हैव बीन टीचिंग, ही सैट टू मी आई हैव बीन टीचिंग, TEACHING। तो आपके पास सेंटेंस क्या है, ही सैट टू मी आई हैव बीन टीचिंग। यहां पर मैंने सेंस फॉर नहीं लगाया, आप चाहे तो लगा सकते हैं, बस उसको कॉपी ही करना होगा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होगा। अगर इसको फ्रेंड्स अगर चेंज किया जाता तो कैसे बोलते हैं उसको देखिए। सबसे पहले क्या लिखा मैंने, ही, उसके बाद क्या आ गया, टोल्ड, और चूंकि यहाँ पर मी है तो यहाँ पर मी लिख दीजिए, तो ही टोल्ड मी दैट। इस आई का रिलेशन किससे बनेगा, ही से बनेगा, तो ही लिखना पड़ेगा। और चूंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो हमारी सहायक क्रिया होती है वो क्या होती हैड बीन, तो अब हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, हैड बीन। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, आई एन जी फॉर्म, तो उसको हमें कॉपी ही कर देना और तो कुछ करना नहीं। तुम्हारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन टीचिंग। अगर सेंटेंस होता कि ही सेड टू मी आई हैव बीन टीचिंग फॉर टू आवर्स, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनता कि ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन टीचिंग फॉर टू आवर्स, यानी फॉर टू आवर्स सिंस मॉर्निंग, जो भी लिख के आएगा पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, उसको आपको कॉपी ही कर देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट स्पीच लीजिए जिसमें एक सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो, और इसके बाद उसको इनडायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। सारी चीजें मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता ही दी है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप अभ्यास ना करें तो आपसे कुछ नहीं होने वाला, इस बात को याद रखिएगा। और अगर आप करें तो आपको कोई रोक नहीं सकता, इसको भी ध्यान में रखिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।